आईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है भारत की नदियां श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम यमुना भाग 4। यमुनोत्री हिमनद से यात्रा करती हुई यमुना अब दिल्ली तक आ पहुंची है, हमारे देश की राजधानी दिल्ली। समय के साथ साथ राजधानियां अपनी जगह, अपना नाम यमुना के पश्चिम में बदलती रही, जैसे तुगलकों की राजधानी तुगलकाबाद, शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद, अंग्रेजों की राजधानी पहले कश्मीरी गेट और फिर रायसीना रिज। दिल्ली में पहले की राजधानियों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। अब दिल्ली और उससे आगे का यमुना का सफर शुरू होता है। दिल्ली में दिन भर घूमते हुए हम थक चुके थे। शाम का समय था, ऑफिसों की छुट्टी हो चुकी थी, वाहनों का निरंतर तांता लगा था, सड़क पार करना कठिन हो रहा था। शाम होते ही दिल्ली जगमगा उठी, चारों ओर रोशनी से आंखें चुंधियाने लगी। कुछ अजीब सा लग रहा था, नयापन भी था, बेरुखी भी। हम सोच रहे थे कि क्या करें, कहीं रुकने के जुगाड़ में थे। दिन की थकान से देर तक सोए। हमारा सफर जारी था, हम राजघाट की ओर चल दिए। राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि है, वहां जाने की इच्छा हुई। सामने देखा, यमुना नदी अपनी गंदगी की बदहाली के साथ शक्ति स्थल, विजय घाट आदि स्थलों को छूती हुई चली जा रही थी। सचमुच यमुना में प्रदूषण की शुरुआत दिल्ली से ही होती है। अनुमान है कि रोज लगभग 2000 लाख लीटर गंदा पानी और 132 मीट्रिक टन रासायनिक प्रदूषण यमुना में घुलता है। प्रदूषित जल के कारण मछली व अन्य जीव जंतु कम दिखाई पड़ रहे थे। पहले कभी यही यमुना जीवन से भरपूर हुआ करती थी, और अब जीवन रहित हो गई है। अरे विडंबना, इसी हालत में यमुना ओखला पहुंचती है। सन 1870 के दशक में ओखला में एक बैराज बनाया गया था। सन 1874 में बैराज से आगरा कैनाल निकाली गई जी, जो हरियाणा के फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा जिले की सिंचाई करती है जी। बैराज के कारण यमुना में रेत के भंडार देखे जा सकते हैं। यहां से यमुना कालिंदी कुंज की ओर बढ़ती है। सन 1960 के दशक में कालिंदी कुंज नामक एक और बैराज बनाया गया, समझे जी। यहां से गुड़गांव कनाल निकाली गई, जिससे हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव और राजस्थान के भरतपुर जिले की सिंचाई होती है। अच्छा, कालिंदी बैराज से यमुना दोबारा हरियाणा में प्रवेश करती है। पहला नगर फरीदाबाद नदी के पश्चिम में बसा है,
जिसे बाबा शेख फरीद ने बसाया था। बाबा शेख फरीद? आज फरीदाबाद एक बड़ा औद्योगिक नगर है। बल्लभगढ़ दूसरा औद्योगिक शहर है। दोनों शहर लगभग मिल गए हैं। अच्छा अच्छा। अब यमुना धीरे धीरे मथुरा पहुंचती है। मथुरा के साथ पुराने रिश्तों को याद करती है और मन ही मन कहती है, मथुरा नगरी के वासी मुझे आदर के साथ देखते हैं, क्योंकि मेरा कृष्ण भक्त कवियों, उनके पदों, छंदों से गहरा संबंध है। मैं कालिंदी के रूप में कृष्ण भक्त कवियों के मन में रची बसी थी। कितना आकर्षण था मुझ में। इतनी प्रदूषित हो चुकी हूँ कि मेरे पास लोगों का आना तो दूर की बात है, लोग नाक बंद करके गुजरते हैं। सुभैया जी, तुम मुझे बता सकते हो कि मथुरा में यमुना घाट के साथ कौन कौन से मंदिर हैं? अब हाँ, मैं जानता हूँ, जैसे द्वारकाधीश ध्रुव मंदिर। बिल्कुल ठीक। यमुना के तट पर लगभग 25 घाट हैं। जी, अस्कुंडा, विश्राम घाट, स्वामी घाट, ध्रुव घाट वगैरह वगैरह। जी हाँ, यहाँ हर समय श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। तुम तो जानते ही हो सुभैया कि मथुरा भारत का प्राचीन एवं धार्मिक नगर है। जी हाँ, इसका विवरण प्राचीन ग्रंथों में कई जगहों पर मिलता है। मथुरा को श्री कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है और इसकी कहानी तो सभी ने सुनी होगी। कृष्ण भक्ति यमुना के आसपास ब्रज क्षेत्र में विकसित हुई। कृष्ण भक्ति यहीं से भारत के दूसरे भागों में फली फूली, जैसे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आदि। कृष्ण भक्ति को फैलाने का माध्यम बनी ब्रज भाषा। भाई, ब्रज भाषा बहुत ही मधुर और मिठास लिए हुए है। हाँ। ब्रज प्रदेश में ही कृष्ण से जुड़े प्रसंग नंदगांव बरसाने में आज भी देखे सुने जा सकते हैं। मथुरा का हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों से गहरा संबंध रहा है। जी, चीनी यात्री फहयान यहां बौद्ध धर्म की जानकारी लेने आए थे। जैन मत के 84वें तीर्थंकर भी मथुरा से संबंध रखते हैं। 84 तीर्थंकर के नाम से एक बड़ा मंदिर है। अच्छा, लोग दूर दूर से मंदिर के दर्शन करने आते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ मध्यकाल का एक बहुत बड़ा संग्रहालय है। संग्रहालय? जो देखने लायक है। अच्छा। गैरिसन नामक पुरातत्वविद ने मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में खुदाई की। खुदाई के समय जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां और शिलालेख मिले। ये सभी म्यूजियम में देखे जा सकते हैं। अरे वाह। मथुरा एक धार्मिक एवं भारतीय संस्कृति की धरोहर का जीता जागता नगर है। तुम्हें मालूम है, पास ही में यहां एक तेल शोधक कारखाना है। जी, कच्चा तेल पाइप के द्वारा गुजरात के कांडला बंदरगाह से आता है। कांडला बंदरगाह से?
यमुना अब मथुरा से अलविदा कहती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई ये आगरा पहुंचती है। आगरा भी यमुना नदी के उत्तर में बसा है। आगरा जीटी रोड और रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। ये नगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा औद्योगिक एवं वाणिज्य केंद्र है। आगरा में कपास, कपड़ा, दरी, चमड़े और जूते के कई कारखाने हैं। मैं तुम्हें बता दूं, आगरा मध्यकाल में एक विशेष नगर था। वो कैसे? सुनो, 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक ये मुगलों की राजधानी था। अच्छा। बादशाह अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सन 1564 से 1575 में यमुना के किनारे लाल किला बनाया गया। अच्छा अच्छा। किले में ही शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई। यमुना के किनारे पर शाहजहां ने बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, है ना। लाल किला और ताजमहल दोनों यमुना के किनारे पर है। ताजमहल संसार की सुंदरतम इमारतों में से एक है। जी, विश्व के आश्चर्यों में इसकी गिनती की जाती है। हाँ। मकबरों में सबसे खूबसूरत गोलाकार गुंबद ताजमहल में देखा जा सकता है। आगरा में यमुना की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। शहर का गंदा पानी यहां भी यमुना में गिरता है। यमुना मैली कुचैली हालत में ही आगे बढ़ती है। आगरे से निकलकर यमुना दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। रास्ते में एक ओर इटावा, औरैया उत्तर प्रदेश के जिले हैं, दूसरी ओर मुरैना, भिंड मध्य प्रदेश के जिले हैं, जो बीहड़ के क्षेत्र हैं। मुरैना भिंड में भूमि का कटाव बहुत है। यमुना इन्हीं गहरे खड्डों से होकर बहती है। जी। दाहिनी ओर से चंबल नदी गहरे खड्डों से बहती हुई यमुना की ओर आती है। कुछ दूरी तक दोनों समानांतर पूर्व की ओर बहती है। इटावा जिले में साहन नाम के स्थान पर चंबल नदी यमुना में मिलती है। इसे क्या कहते हैं मालूम है? इसे जरूर संगम कहते हैं। संगम, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और कई मंदिर हैं यहाँ पर। जी सुबैया, तुमने ध्यान दिया होगा कि यहाँ यमुना का पानी पहले से कुछ साफ दिखाई पड़ता है। जी हाँ। साहन से यमुना कालपी पहुंचती है। ये एक ऐतिहासिक स्थान है। जी। कालपी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति प्राप्त की थी। आगे चलकर हमीरपुर में बेतवा नदी यमुना में मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी की पहाड़ियों से निकलती है। पंचमढ़ी के पहाड़ियों से। यमुना बांदा और फतेहपुर से बहती हुई मऊ पहुंचती है। मऊ हथकरघा उद्योग की एक बड़ी नगरी है। अच्छा। यहाँ गमछे और चादर आदि बनाए जाते हैं। मऊ से यमुना के बहाव की दिशा में अचानक परिवर्तन आता है। दक्षिण पूर्व क्षेत्र में उच्च भूमियों के कारण वो अब उत्तर पूर्व की दिशा में बहने लगती है। जी। यहां यमुना का पानी स्वच्छ और हल्का नीला दिखाई देता है। यमुना अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ती है। देखो भाई, यमुना का सफर अब पूरा होने वाला है। हाँ। धीरे धीरे चलती हुई यमुना प्रयाग में गंगा के साथ मिल जाती है। जी हाँ।
प्रयाग में यमुना और गंगा की धाराएं अलग अलग दिखाई देती हैं। यमुना की श्यामल धारा है जी, गंगा की मटमैली और उज्ज्वल। जब दोनों एक दूसरे से मिलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो दो बहनें मिल रही हैं। वाह, सचमुच गंगा और यमुना दोनों सहोदरा हैं, क्योंकि दोनों का जन्म हिमालय की पर्वत श्रृंखला में हुआ है जी। मैं तुम्हें बता दूं कि बादशाह अकबर ने 1583 में यहां यमुना के किनारे एक किला बनवाया और शहर का नाम रखा अलाहाबाद। अच्छा, जो आज इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है जी। गंगा यमुना का संगम बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षा प्रदान कर सकता था। सुबैया जी, प्रयाग का धार्मिक और वाणिज्यिक महत्व बौद्ध धर्म के दस्तावेजों और अशोक के शिला लेखों में भी मिलता है। अच्छा, प्रयाग में दिसंबर जनवरी के माह में माघ मेला लगता है। हाँ। दूर दूर से लोग स्नान करने आते हैं। 12 साल के बाद संगम पर महाकुंभ का मेला लगता है। हाँ। यहाँ के आम और अमरूद बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अमरूद तो मैंने भी खाए हैं, खूब खाए हैं। बहुत मीठे होते हैं। इलाहाबाद ग्रैंड ट्रंक रोड व रेलवे से जुड़ा हुआ है। सन 1857 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई जी। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी यहाँ है। यहाँ भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक तथा जन आंदोलन का गढ़ रहा है और साथ ही राजनीतिक चेतना का केंद्र भी रहा है। भाई, हमारी यात्रा यहीं पर अब समाप्त होती है। और इस यात्रा में यमुना कदम कदम पर हमारे साथ रही है, एक हम सफर की तरह जी। आप भी हमारी और यमुना की इस दास्तान में शरीक रहे हैं। यमुना, अलविदा कहने से पहले आपसे कुछ कहना चाहती है। ९०० किलोमीटर लंबी यात्रा के बाद प्रयाग है मेरा विश्राम स्थल। इस यात्रा में साम्राज्यों के उतार चढ़ाव देखे, कितनी संस्कृतियों को पनपते फलते फूलते देखा। आज मेरा अस्तित्व ही संकट में है। अगली पीढ़ी को आप मुझे किस रूप में सौंपना चाहते हैं, निर्णय आप करें। तो ये थी मेरी और सुबैया की स्मृतियां यमुना के साथ साथ चलते हुए। डायरी के ये पन्ने रोमांचित भी करते हैं और चिंतित भी। एक नदी जो लगभग 1000 किलोमीटर तक जनजीवन, संस्कृति और समाज की पोषक रही, वही नदी आज शहरीकरण, औद्योगिकरण और जनसंख्या के दबाव का बोझ उठा रही है। जरा सोचिए कि उसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। यमुना भाग 4। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अख्तर हुसैन, आलेख परामर्श डॉक्टर माधवी कुमार, कलाकार नीरज शर्मा, प्रवीण शर्मा और राजश्री त्रिवेदी, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाडे, निर्माण सहयोग
दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।